गोरखपुर में संदिग्ध आतंकियों की सूचना को एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने पूरी तरह फर्जी और अपुष्ट बताया है। एसएसपी ने बताया कि अपुष्ट खबर के अनुसार पिछले महीने से के 16 तारीख को किसी व्यक्ति ने संदिग्ध व्यक्ति को देखा था। उसने किसी माध्यम से किसी को बताया जिसकी तफ्तीश की गई, जिसमें मामला में कोई गंभीरता नहीं पाई गई। फिलहाल त्योहारों को देखते हुए पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। उन्होंने कहा कि ATS, SOG, NIA, CPI सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा कि फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी गोरखपुर पुलिस पूरी तरह अलर्ट और सतर्क है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, जी इसमें सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें एक अपुष्ट टाइप की खबर थी कि पिछले महीने की 16 तारीख को किसी व्यक्ति ने कुछ संदिग्धों को देखा था और उसने किसी और माध्यम से कहीं बताया और उसके बाद वो इनपुट के तौर पर जनरेट होकर के हमारे पास आया और उसमें बकायदा तफ्तीश हुई है। 10 तारीख को उस सोर्स तक के हम लोग भी बात कर चुके हैं, ATS भी इसमें बात कर चुकी है। हाल फिलहाल अभी तक के निष्कर्ष में कोई ऐसी सीरियस बात नहीं पाई गई है और उस जो सोर्स या वो जो व्यक्ति है उस तक भी हम पहुँच गए हैं, लेकिन उसके बातों में इतनी गंभीरता नहीं पाई गई। हाउएवर हम लोग इन चीज़ों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमारा इनपुट सिस्टम, हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम पूरी तरह से हाई अलर्ट पे है और चूंकि नेपाल बॉर्डर पास में है और जो भी परिदृश्य इस समय सुरक्षा का उसको लेकर के, त्योहारों को लेकर के गोरखपुर पुलिस पूरी तरह से चौकन्नी और सतर्क है और इस तरह की कोई खबर फिलहाल पुष्ट नहीं हुई। रूटीन एक्सरसाइज है त्योहारों और बाकी स्थितियों को देखते हुए। आप जानते हैं कि अभी हमने मुहर्रम और गणपति विसर्जन, सभी दुर्गा पूजा, इन सभी में त्योहारों के पहले इस तरह की रेड स्कीम्स और भारी पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च सभी चीज़ें कंडक्ट की जाती हैं, तो उन्हीं को देखते हुए हमारी कल रात में प्रैक्टिस सिटी की थी वो बिल्कुल। कुछ वर्षों पहले गोलघर में इस तरह घटना हुई थी, जी सबका रिकॉर्ड है। और आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि एक स्पेशलाइज एजेंसी जो है ATS है, पूरे UP के लिए काम करती है, जो सारा डाटा बैंक रखती है और उसी के साथ साथ अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसमें हमारी जो SOG है और हमारी जो STF है, सभी तरह की एजेंसी शामिल होती हैं और साथ ही साथ जो नेशनल लेवल की एजेंसीज हैं उनके साथ हम पूरी तरह से, चाहे वो NIA है, चाहे CBI है, जो भी इस तरह का एजेंसीज हैं जिनका हम सहयोग चाहते हैं, हमारे साथ सभी लोग में है और फिलहाल ऐसी कोई बात अभी तक नहीं प्रकाश में आई है। सूचना का आकलन कर लिया गया है और हम पूरी तरह से सतर्क और अलर्ट हैं और इंटेलिजेंस गैदरिंग की जा रही है।